हेलो, आई एम प्रीतिश बनर्जी फ्रॉम प्रीतिश कंप्यूटर ट्यूशन। आज हम लोग जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग का 3 नंबर वीडियो हम लोग दे देंगे। इसका पहले हम लोग जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग का 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुका है, आज हम लोग 3 नंबर वीडियो करने वाला है। जो टॉपिक जो है वह है बेसिक जावा प्रोग्रामिंग। तो बेसिक जावा प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है ये आज हम वीडियो में जानेंगे। तो पहले आप लोग इसका पहले जो 2 वीडियो का जो कंटिन्यूएशन है वो आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा, तब आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूएशन में है। इसका पहले बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का 2-2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग दे चुका है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो क्लास रूट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर क्लास कर लेता है। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर ए नंबर। यहां पे इन कर लेता है इंट ए, और पी बोलकर एक वेरिएबल ले लेता है, 0 करके रख देता है। तो P इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी ब्रैकेट में एन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पी। देन दोनों ब्रैकेट क्लोज और ऊपर में इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, क्लास का एक नाम दे दिया रूट बोल के, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इंट एन कॉमा पी इज इक्वल टू 0, स्कैनर क्लास ऑलरेडी कर लिया, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर। तो एक नंबर को इनपुट एंटर नंबर एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, तो यहां पे हम नंबर को इनपुट कर लिया। देन पी इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी एन, तो एन का अंदर जो नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट निकल के पी का अंदर स्टोर हो जाए। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो बिल्ट इन फंक्शन जावा में है वो है एस क्यू आर टी। तो इसको यूज करने के लिए आपको मैथ डॉट एस क्यू आर टी ऐसे लिखना पड़ेगा। sqrt एक बिल्ड इन फंक्शन है, जो हम लोग पहले वाला वीडियो में भी पाव फंक्शन किया था math.pow, तो पाव फंक्शन भी बिल्ड इन फंक्शन था, वो पावर कैलकुलेट करने के लिए था। तो यहां पे स्क्वायर रूट के लिए है sqrt। तो उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके पी को प्रिंट कर दिया। तो समझ लीजिए आउटपुट में कैसे आएगा, एंटर नंबर आउटपुट, इसका आउटपुट कैसे आएगा समझ लीजिए आप, ऐसे आउटपुट में आ गया एंटर ए नंबर, आप 25 इनपुट कर दिया तो इसका आउटपुट में आ जाएगा 5। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट प्रोग्राम
फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पे हमको एरिया का, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का जो एरिया वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर रूट का फंक्शन ऑलरेडी आप लोग सीख लिया एस क्यू आर टी। तो हमको यहां पे तीनों साइड का पहले इनपुट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्लास एरिया ट्रायंगल बोल के लिख देता है, ट्रायंगल पब्लिक सेटिंग वॉइड में स्कैनर क्लास, यहां पे तीनों वेरिएबल ले लेता है इन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एरिया इज इक्वल टू जीरो एस इज इक्वल टू जीरो। एक काम करता है इसको हम डबल में कर देता है, डबल डेटा टाइप को यूज कर दिया, डबल मतलब डेसिमल नंबर में आएगा। तो 0.0 एस को भी हम 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब इसका नाम क्लास कर लिया। तो यहां पे एसओपीएलएन मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पूरा लिख देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर थ्री साइज बोल के लिख दिया। तो ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, हम लोग पहले वाला वीडियो में देख लिया डेसिमल नंबर को इनपुट करने के लिए नेक्स्ट डबल फंक्शन को हम लोग यूज करता है। बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, सी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, तीनों नंबर इनपुट हो गया। अभी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, देन एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट खत्म। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एन एरिया, एरिया को प्रिंट कर दिया, दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर्मूला जो है इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या किया, एरिया तीनों साइड का इनपुट हो गया, ए बी सी तीनों साइड का इनपुट हम लोग ले लिया। उसके बाद एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू कर लिया, तो एस का वैल्यू आ गया। अभी एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी, क्योंकि फॉर्मूला में है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे मैथ डॉट एस क्यू आर टी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो यहाँ पे इंटू साइन देना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर को नहीं तो समझ में आएगा नहीं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन करके एरिया को प्रिंट कर दिया, तो एरिया प्रिंट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी आप लोग एक काम कीजिएगा, एक होमवर्क हम लोग हम दे देते हैं होमवर्क, फाइंड द रूट्स ऑफ द, फाइंड द रूट्स फॉर्मूला क्या है, आर वन इज इक्वल टू बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए
and then R2 is equal to B minus root over B square minus 4AC by 2A. तो इसको कैसे करना पड़ेगा, रूट ओवर है तो इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी कर चुका एस क्यू आर टी, तो यहां पे ए बी सी तीनों इनपुट करना पड़ेगा, ये हम कर ही देता है। देखिए तो इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, तो देखिए क्या होगा, क्लास रूट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, डबल में कर देता है, डबल ए कॉमा बी कॉमा सी, आर वन इज इक्वल टू 0.0, आर टू इज इक्वल टू 0.0, देन स्कैनर क्लास, स्कैनर इज सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर थ्री साइज। A is equal to SC dot next double, B is equal to SC dot next double, C is equal to SC dot next double। अभी यहां पे थोड़ा ऊपर में कर देते हैं, B is equal to SC dot next double, C is equal to SC dot नेक्स्ट डबल। अभी आर वन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी प्लस माइनस बी प्लस रूट ओवर मैथ डॉट एस क्यू मैथ डॉट फॉर्मूला जो किया था, फॉर्मूला हम यहां पे और एक बार लिख देता है, रूट जो था आर वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, एंड देन आर टू इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला है। क्या है, आर वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, एंड देन आर टू इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो ये वाला फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे, माइनस बी प्लस मैथ डॉट, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फॉर्मूला को थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, हम यहां पे लिखता है माइनस बी प्लस मैथ डॉट एस क्यू आर टी ब्रैकेट बी स्क्वायर, मतलब क्या, बी इंटू बी माइनस फोर इंटू ए इंटू सी बाई टू इंटू ए, एंड देन आर टू इज इक्वल टू माइनस बी माइनस मैथ डॉट एस क्यू आर टी b into b b square minus 4 into a into c by 2 into a, दोनों रूट निकल गया। देन हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आर वन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
आर टू दोनों ब्रैकेट खत्म। ऊपर में इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग मतलब इंटरचेंज, ए का वैल्यू बी में स्टोर होगा, बी का वैल्यू ए में स्टोर होगा। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल को हेल्प लेके इसको करना पड़ेगा। तो क्लास स्वैप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हम इन में करेंगे, int a comma b comma t is equal to 0। तो यहां पे स्कैनर क्लास कर लेता है, स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द वैल्यूज, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेकेंड नंबर बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अभी टी इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू T, then system dot out dot println after swapping plus A, A का वैल्यू प्रिंट कर दिया, system dot out dot println after swapping b को प्रिंट कर दिया, दोनों ब्रैकेट बंद कर दिया, ऊपर में इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो यहां पे हम लोग क्या किया, a और b का वैल्यू इंपोर्ट किया, उसके बाद यहां पे लिखा t is equal to a, a is equal to b, b is equal to t। तो इसका जो स्वैपिंग का जो लॉजिक है, ए यूजिंग थर्ड वेरिएबल को लेके हम लोग इसको किया है। तो इसको कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहा है देख लीजिए, समझ लीजिए, एक में हम 5 इनपुट किया, b में हम 6 इनपुट किया, a is equal to 5, b is equal to 6 हम लिख दिया। तो यहां पे हम क्या लिखा है, t इज इक्वल टू a, इसके मतलब क्या हो रहा है, t का वैल्यू a में स्टोर होगा, t इज इक्वल टू a, इसका मतलब है a का वैल्यू t में स्टोर होगा, t इज इक्वल टू a का मतलब है a का वैल्यू t में जाएगा, तो t में कितना आएगा 5। नेक्स्ट क्या लिखा है, a इज इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू a में स्टोर होगा, तो
बी में क्या है 6, तो ए में आ जाएगा अभी 6, तो ए का जो 5 था वो अभी 6 से ओवरराइट हो गया, ए में अभी 5 है नहीं, अभी ए में 6 है। एंड देन बी इज इक्वल टू टी, इसका मतलब है टी का वैल्यू 5 है, तो बी में आ जाएगा 5, तो बी में जो 6 था अभी वो 5 से ओवरराइट हो गया। तो कैसे कम कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू टी में जा रहा है, तो ए का वैल्यू पहले क्या था 5, तो 5 चला गया अभी टी में, मतलब टी इज इक्वल टू 5 हो गया। ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी का वैल्यू ए में जा रहा है, तो बी में क्या था 6, अभी ए में आ गया 6। नेक्स्ट वाला लाइन में लिखा है बी इज इक्वल टू टी, तो टी का वैल्यू क्या था 5, अभी बी में आ जाएगा, आ गया 5। तो अभी इसको प्रिंट कर दिया, आफ्टर स्वैपिंग करके ए को प्रिंट किया मतलब 6 प्रिंट हो गया, आफ्टर स्वैपिंग करके बी को प्रिंट किया मतलब 5 प्रिंट हो गया। देखिए इंटरचेंज हो गया, पहले ए में 5 था अभी ए में 6 है, पहले बी में 6 था अभी बी में 5 है। तो ये वाला लॉजिक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देन लास्ट प्रोग्राम, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो यहां पे हम टी को लेकर सिर्फ ए और बी रहेगा, तो यहां पे ए और बी को इनपुट कर लिया, लॉजिक क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। देन ए को प्रिंट कर दिया, बी को प्रिंट कर दिया, तो लॉजिक क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां पे देखिए कोई भी थर्ड वेरिएबल हम लोग यूज किया नहीं, सिर्फ ए और बी को लेके काम किया प्लस माइनस कर। तो कैसे हो रहा है, समझ लीजिए ए का अंदर 5 है, बी का अंदर 6 है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए में 5 बी में 6 मतलब 11, तो ए का अंदर आ गया 11, ए का अंदर भी 5 है नहीं, ए का अंदर अभी 11 हो गया। देन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए में क्या है 11 और बी में क्या है 6 मतलब 5, बी में हो गया 5। एंड देन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए में लास्ट क्या था 11 और बी में लास्ट क्या है 5, बी में अभी 6 है नहीं, बी में अभी 5 है, तो 11 माइनस 5 मतलब 6। तो देखिए अभी ए में 6 हो गया, पहले ए में 5 था, बी में अभी 5 है, पहले बी में 6 था, पहले बी में 6 था अभी बी में 5, पहले ए में 5 था अभी ए में 6। देखिए इंटरचेंज हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का पूरा हम कवर कर दिया, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरह, इसका जो जो वीडियोस है बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का, तो इसमें हम लोग पूरा कवर कर दिया। इसको ठीक से करने से कोई भी प्रोग्राम बाकी है नहीं, बेसिक जावा प्रोग्रामिंग बेसिक का बेसिक बेसिक में जावा मतलब जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग आप लोग कैसे सीखेंगे कैसे लिखेंगे ये सारा वीडियो में हम लोग कवर कर दिया। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।